चार विषय से मैं दावत देने जा रहा हूं। अब अली अब्बास छपरवी को निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए, और मैंने उनसे बता दिया है कि शोरा की फहरिस्त लंबी है उसी लिहाज से, लेकिन एक बात कहता चलूं कि 313 घटते घटते जब हो जाएंगे रह जाएंगे मोमिन तब इमाम का जहूर होगा। 313 क्या अभी बहुत हैं, घटते घटते जब 313 रह जाएंगे तब जहूर होगा। जनाब सकी नहीं के हवाले से चार मिसरे मुलाजा फरमाए कि मांगा सिमर से पानी, ये गलत रवायत है। मांगा सिमर से पानी, ये गलत रवायत है। शेख ये बता पहले, शेख ये बता पानी कब पिया सकीना ने। मांगा सिमर से पानी, ये गलत रवायत है। शेख ये बता पानी कब पिया सकीना ने। बादे हजरते अब्बास ये कहीं नहीं मिलता, बादे हजरते अब्बास ये कहीं नहीं मिलता। पानी की तरफ अपना रुख किया सकीना ने। बादे हजरते अब्बास ये कहीं नहीं मिलता, पानी की तरफ अपना रुख किया सकीना ने। अली अब्बास छपरवी नाज़िमे महफ़िल। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे माइक पे ज़्यादा बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि मैं बोलता ही हूँ इसी का पैसा है, बाकी सब एक जैसा है। बिल्कुल हकीकत है, कम बोलो। मुझे पता है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि इंसान को बोलने में 2 साल लगते हैं, मगर कौन बात कहाँ बोलनी है ये बोलने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ये कायनात के अमीर का जुमला है, इसी का नहीं है। और अली अब्बास छपरवी अबू जहल के दर का पुजारी नहीं है, अनम मदीनतुल इल्म के दर का भिखारी है। तो हमें पता है कि कब कहाँ और कितनी देर बोलना है, ये इसी को निज़ामत कहते हैं। पूरी दुनिया में ग्राफ एजेंसी गवाह है। अबू ज़र भाई बहुत कीमती वक्त लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं जन्नत में। बहरहाल ये हक था हमारी छोटी सी आवाज़ पे, ग्राफ एजेंसी ने लब्बैक कहा और शोराए कराम ने लब्बैक कहा। वरना आज का दिन यकीनन मानिए बहुत बिजी दिन है, और इस दिन ऐसे ऐसे शोरा का दस्तयाब हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस दिन बेताब हल्लोरी भी यहाँ हो, इफाम उतरौलवी भी हो, सागर बनारसी हो, शबरोज़ कानपुरी हो, शबाब जलालपुरी हो, जिस महफिल में शबाब हो उस महफिल को अब बुढ़ापा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस महफिल में ही शबाब बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे शायर कायनात हल्लोरी हो, ऐसा लग रहा है कि कायनात में शबाब है और शबाब में जन्नत है और जन्नत में हम सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये जश्न जो है वो करबला के उनवान से है। मुझे 1 मिनट चाहिए और 1 मिनट में पूरी महफिल आपके दामन में रख के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बरादर अजीज़ मुझे बचपन में इन्होंने इल्म भी दिया है, वो भी मेरे सामने बैठे हुए आज दिखाएं तो कि जो सबक पढ़ाया था आज वो कैसे सुनाया जा रहा है। करबला एक पिकनिक का नाम नहीं है, जो गया है वो समझ सकता है कि जन्नत है क्या। जब करबला जाओगे तो देखोगे दाएं भी एक जन्नत है, बाएं भी एक जन्नत है, और बीच में अपने आप को जाओगे। किसी मासूम ने इरशाद फरमाया, मुझे नाम याद नहीं है, उलमा की मौजूदगी है, सदर आली वकार से इजाज़त लेते हुए एक जुमला अर्ज़ करता हूँ कि मासूम ने फरमाया कि जब बीच में दौड़ो और चलते वक्त पसीना आ जाए बैनुल हरमैन में, तो बेतौहीनी से न फेंको, फेंको नहीं बल्कि आराम से ऐसे करो और आराम से टपका दो, पता नहीं तुम्हारे कौन से पसीने से कौन सा फरिश्ता कल कर दिया जाए, ये तुम्हारी अजमत है। किसी शायर ने कहा था, करबो बला तो जाना मुकद्दर की बात है। तनवीर भाई सुनना, करबो बला तो जाना मुकद्दर की बात है, बदबख्त वो है जिसने इरादा नहीं किया। मैंने बहुत बड़ा शेर करबो वाला तो जाना मुकद्दर की बात है, बदबख्त वो है जिसने इरादा नहीं किया। इरादा ज़रूरी है, करबला तो करो, ये बेवकूफ़ ना बनाओ कि हुसैन का बुलावा नहीं आ रहा है, हुसैन बुला नहीं रहे। खाओगे सूद वाला और चाहोगे हुसैन करबला बुलाएं, चरोगे गांव में चुगली और चाहोगे हुसैन करबला बुलाएं, फर्श पे बुला लेता है यही बहुत बड़ी बात है।
चाहोगे सूद वाला और चाहोगे हुसैन, करबला बुला ले, करबला नहीं बुला सकता हुसैन। ये तोहमत ना दो, एक जुमला कर रहा हूँ, उसके बाद एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद कायनात हल्लौरी तुम्हारे हवाले हो जाएगा। ये हुसैन पे तोहमत ना दो कि करबला नहीं बुला रहे हैं। करार मौलाई साहब का जुमला याद आया, वो अक्सरियत अपनी खिताबत में कहते हैं, तुम वक्त के हबीब इब्ने मज़ाहिर थोड़ी हो जो हुसैन खत लिख के बुलाएंगे। हुसैन ने तुम्हें सन 61 हिजरी में बुला लिया है हल में नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरी मदद करने वाला, जाओ करबला। बस एक जुमला करूं और दामन में कशकुल वक्त नहीं मेरे पास। जब करबला मासूम फरमाते हैं, जब करबला कोई गया और वापस आता है तो उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। एक साहब करबला गए वापस आए, एक बुग़्ज़े अली के दीवाने से टकरा गए। जब बहलोल दाना किसी बुग़्ज़े अली के दीवाने से टकराता है ना, तो अजीब व गरीब माहौल हो जाता है। डॉक्टर जैसे ही टकराए, उन्होंने कहा कि रसूल की हदीस है कि जो करबला से जन्नत से आएगा उसकी जन्नत की बू आएगी, आपकी खुशबू नहीं आ रही है। उन्होंने कहा हम इसीलिए तो कहते हैं कि आधी हदीस न रटा करो, रसूल की पूरी हदीस दोहराया करो। रसूल ने यह भी तो फरमाया है कि जहन्नमी कभी जन्नती की बू भी नहीं सुन सकता। जो मुझे पहुँचाना था मैंने पहुँचा दिया। जन्नती कभी जन्नती की बू भी नहीं सुन सकता। अब किसी आजादार जन्नत से आए और बू न महसूस हो तो समझ लेना कि जहन्नमी वे फेरेस में हो, क्योंकि वो आ रहा है। मैं शेर पढ़ रहा हूं कि ऐ हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देखकर, अकीदे का शेर है, ऐ हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देखकर आ रहा हूं मैं अभी जन्नत का नक्शा देकर। जल्दी से सुनना, डॉक्टर को आवाज देनी है। आमिर भाई, ऐ हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देखकर आ रहा हूं मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। इसलिए हर कौम आती है मुरादे मांगने, शाह देते ही नहीं अपना पराया देखकर। एक शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर अकीदे का शेर, चाहे जैसे सुन लेना, जैसे सुन लेना। आखिरी शेर, ऐ हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देखकर आ रहा हूं मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। इसलिए हर कौम आती है मुरादे मांगने, शाह देते ही नहीं अपना पराया देखकर। सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आजादारी का खर्चा देखकर। अमीरों को पसीने आ गए, दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आजादारी का खर्चा देकर। खाना काबा के नाम पे चंदा उसूल उसूल कर, उस उसूले हुए पैसों से शराब खरीद खरीद कर अपने बच्चों को ठोंकने वाले कुत्ते बनाने वाले सऊदी की औलादे क्या जानेंगी कि अकस आधार की असमत क्या होती है। हम मरते भी हैं तो हुसैन के लिए, जीते भी हैं तो हुसैन के लिए, क्योंकि हमारी रगों में हुसैन है। करबला जाओ एक बार, देखो कि जन्नत है कैसी है। इमाम ने तुम्हारी गैरतों को भी नहीं रखा। अच्छा, इतने गैरती हो कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। आओ, हमने जमीन खरीदी अपने लिए तुम्हारे नाम पर। आई दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि ज़्यादा देर आपसे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मैं तो आपका मेज़बान हूँ, ये हमारे मेहमान हैं। आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुन रहे हैं, खुदा करे कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान में बदल जाए। आइए, एक मजबूत शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, मोहतरम जनाब डॉक्टर कायनात हल्लौरी। अगर इनका सही तारुफ कराया जाए तो इस तरीके से कराया जा सकता है। आइए, हल्लौर के आसमान से कैसे सूरज को आवाज़ दी जाए। जब वो तुलू होता है तो बनी उमैया और बनी अब्बास के खानों से निकलने वाले नाग अपने अपने घरानों में वाबैला की सदा मचा दिया करते हैं। ऐसे शायर को हमारे अदब की फेहरिस्त में कहा जाता है मोहतरम जनाब डॉक्टर।